नमस्कार दोस्तों, कक्षा में पढ़ाने से पहले एक अच्छी तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। इससे ना केवल हमारी शिक्षा प्रभावी होती है, बल्कि बच्चे भी विषय को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। आज हम कंटिन्यूअस टेंस और इंडेफिनेट टेंस सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने यहाँ एक चार्ट तैयार किया है, जिसमें सभी उदाहरणों को साफ साफ तरीके से लिखा है। इस तरह की तैयारी करने से छात्रों को एक व्यवस्थित तरीके से टेंस की जानकारी मिलती है और इन्हें इसे याद रखने में भी आसानी होती है। चार्ट बनाकर पढ़ाने के कई फायदे हैं। एक तो यह कि यह विजुअल लर्निंग में मदद करता है। बच्चे जब उदाहरणों को एक जगह लिखे हुए देखते हैं तो उनका ध्यान केंद्रित होता है और वह बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। चार्ट में मैं हर प्रकार के टेंस के उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे मैंने कंटिन्यूअस टेंस के पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट और फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ साथ एक इंडेफिनेट टेंस का भी एक चार्ट बनाया है, जिसमें मैंने तीनों को तुलनात्मक रूप से समझाने का प्रयास किया है। चार्ट बनाते समय ध्यान रखें कि लिखावट साफ हो और उदाहरण छोटे और सरल हों, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। यह एक तरीका है जिससे बच्चों की रुचि बढ़ती है और वह पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं। पढ़ाने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि जो विषय हम सिखाने वाले हैं वह हमारे लिए भी पूरी तरह स्पष्ट हो। हर टॉपिक के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाएं, ताकि कक्षा में समय बर्बाद ना हो, हम आसानी से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। साथ ही बच्चों से सवाल पूछते रहना भी जरूरी है। इससे यह पता चलता है कि वह समझ रहे हैं या नहीं, इससे उनका आकलन होता रहता है। जैसे कि जब हम कंटिन्यूअस टेंस के उदाहरणों पर चर्चा कर रहे हैं, तो छात्रों से पूछें कि क्या उन्होंने इस तरह के वाक्य पहले सुने हैं, या फिर उन्हें छोटे-छोटे वाक्य बनाने के लिए प्रेरित करें। जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं खेलूंगा। इस तरह वह ना केवल सुनते हैं बल्कि खुद भी सीखने में सक्रिय हो जाते हैं। एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो अपने छात्रों को ना सिर्फ पढ़ाता है बल्कि उन्हें सीखने के लिए प्रेरित भी करता है। इसके लिए आप अपनी कक्षा को इंटरैक्टिव रखें, बच्चों से संवाद करें और हर बार उन्हें कुछ नया सिखाने की कोशिश करें। अंत में चार्ट या अन्य विजुअल टूल्स का उपयोग करके पढ़ाई को रोचक बनाया जा सकता है और बच्चे ज़्यादा समय तक विषय को याद रख पाते हैं। यह तरीका खासकर मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि इस उम्र में उनका ध्यान जल्दी भटकता है। इसलिए हमें पढ़ाई को रोचक बनाकर उनकी रुचि बनाए रखनी होगी। इसलिए आज मैं ये चार्ट बना रहा हूँ, ताकि कल क्लास मज़ेदार तरीके से उनको पढ़ा सकूँ। तो आइए मिलकर अपनी कक्षाओं को और अधिक प्रभावी और मज़ेदार बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी अपनी कक्षाओं में इसी तरीके से पहले से तैयारी करके जाएं, चार्ट बनाकर जाएं, ताकि बच्चों में सक्रियता बनी रहे और वे रोचक तरीके से सीख पाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।